एना ऊपर देखो हिप हॉप बाय बाय एना बाय बाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मामा के घर में बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता, कब दिन स्टार्ट होता है कब दिन खत्म हो जाता है। हालांकि दिन जो है वो काफ़ी अब हद तक छोटे हो चुके हुए हैं। तो चले, पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी तो यहाँ पे मामा का जो गार्डन है ना वो सब्जियाँ बड़ी हो चुकी होंगी। काफ़ी हद तक मामा लोगों ने ना सब्जियाँ तोड़ भी ली हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी कुछ तोड़ने वाली थी तो मामा ने कहा कि अभी तोड़ते हैं, तो मैंने कहा मैं ना आप लोगों के साथ हार्वेस्टिंग करती हूँ। मामा लोगों के ये देखें पौधे वगैरह सब्जियाँ वगैरह काफ़ी जो बड़ी हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। ये माशाल्लाह देखें बैंगन, एक तो ये जो पर्पल कलर का बैंगन होता है और यहाँ पे ये देखिए व्हाइट बैंगन भी लगा हुआ है। मैंने आज तक अभी व्हाइट बैंगन नहीं खाया था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी बैंगन खाने को मिल जाते हैं। तो पहले मैं ये तोड़ती हूँ, ये व्हाइट वाले भी तोड़ लेते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ना एग होता है, तभी इसको एग प्लांट कहते हैं। ये छोटे वाला तोड़ लें। इकरा जो है वो मेरी वीडियो बना रही है, तो मैं उससे साथ साथ पूछ रही हूँ कि ये तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, तो इधर अभी कुछ भी नहीं लगा, यहाँ पे बीन्स लगे हुए थे जो कि इकरा ने सारी हार्वेस्टिंग कर ली हुई है यहाँ से। और इस साइड पे ये मेरे ख्याल से एक खीरा लगा हुआ है क्यूकम्बर उधर, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ। चले, और ना अब ये इस तरह का मौसम हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये ग्रीन से थोड़े येलो हो जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा देर तक जब अंदर रहते हैं ना तो इस तरह येलो होने लग जाते हैं, इसलिए इनको ना टाइम पे तोड़ लेना चाहिए। तो इधर ये देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये तो अभी थोड़ा सा ना रेड हो चुका हुआ है, मिट्टी भी लग गई है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो इनको ना हम वैसे तोड़ के रख रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था कि कुछ टाइम पहले मामा ने बताया कि ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, जब ये रेड होते हैं तो ये ख़राब हो जा रहे थे नीचे से, तो मामा इनको उतार के अंदर रख लेती हैं, तो कुछ दिन के बाद खुद ही ना वो ऐसे रेड हो जाते हैं। तो चलें, और इसके साथ साथ क्या लगा होगा यहाँ पे, तो एक एक पौधा नहीं है, टमाटर का एक और पौधा भी है लेकिन इस पर अभी तोड़ने वाला नहीं है। ये थोड़े से ना अभी एक दो दिन और लग जाएंगे इनको, या शाम तक या कल तक ना ये रेड हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ये लगी हुई है एक बेल पेपर, जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं, कैप्सिकम बोलते हैं, ये तोड़ लूँ। और यहाँ पे सारी ना मिर्चें लगी हुई हैं, तो ये कुछ आम मिर्चें नहीं है। हमारे घर में जिस तरह थोड़ी सी हॉट वाली मिर्च लगी हुई थी ना, तो यहाँ पे ये लगी हुई है बनाना पेपर। यहाँ पे ये शक्ल पहले आप चेक करें, ये बनाना की तरह की इनकी शक्ल होती है, लेकिन इनका नाम है हॉट बनाना। ये देखें और ये देखें, और इनके कलर्स ना डिफरेंट हो जाते हैं, कभी ये ग्रीन, कभी ऑरेंज, कभी येलो कलर की निकलती है। तो लेकिन अभी आजकल हमारे ना ये ग्रीन कलर की निकल रही है। और इस साइड पे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पे जो हमने कद्दू लगाए थे ना वो बहुत ज़्यादा निकलने वाले थे, लेकिन कद्दू ने हमें धोखा दे दिया इसलिए कि कद्दू की बेल ना माशाल्लाह यहाँ 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 काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम पहले मामा ने ना वो कद्दू की जो एक बेल थी ना वो निकाल दी, क्योंकि मामा बता रही थी कि जो कद्दू है ना वो निकलते थे, फूल लगता था, छोटी छोटी बॉल्स लगती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो बॉल्स जो है वो टूट जाती थी। इसलिए फिर मामा ने कहा कि ये तो ना और ज़्यादा ऐसे बुरा लगता है कि कद्दू प्रॉपर बन नहीं रहे। फिर वो उतार दिए, जगह भी बनी हुई थी। और यहाँ पे एक जुकीनी लगी हुई है, लेकिन अभी ये बड़ी होगी तो इसको मैं छेड़ नहीं रही। और साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और बीन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से अभी कुछ तोड़ने वाला नहीं है, तो बस चलते हैं। और ये है जी घर की सब्जी, अंदर चलते हैं। यहाँ पे एना को मैंने काट के दिया है फ्रेश फ्रेश प्लम, और माशाल्लाह ये इसका आजकल फेवरेट फ्रूट है, इतने शौक से माशाल्लाह खाती है ये फ्रूट। खा के बच्चे जो है बाहर आके अपना खेल रहे हैं ये बबल्स के साथ। इब्राहिम नॉर्मल खड़े डांसिंग 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 डांसिंग। यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपना मजेदार सा खाना जो कि मामा ने बनाया है। इस टाइम हो गए हैं दोपहर के, पूरा एक बज गया है,
और एना को मैं सुला के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आपको पता है मेरा रेस्ट जो है वो इस चेयर पे इतना अच्छा हो जाता है। और इधर हिबा क्या कर रही है? मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 सारा। अच्छा। कुछ लिख रही हूँ ऐसे अपनी जुबान में। जी मैं क्या कहते हैं डॉइच। तो हिबा अपनी जुबान में कुछ लिख रही है। हिबा को वैसे ड्राइंग का भी शौक है, रीडिंग का भी शौक है। रीडिंग का शौक इसको ना अपने मामू उसामा से हुआ है। उसामा बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करता है, तो उसको देख देख के ना इन बच्चों में भी ना एक चीज अच्छी जो एक आदत होती है ना वो आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब एना का जो मॉनिटर है हिबा, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आपने ध्यान रखना है ठीक है। हल्का सा अभी उठेगी नहीं, जब हल्का सा उठेगी ना फिर आप देखना। तो माम काला भी उनको बताया गया ना सॉरी। यहाँ पे लेती हूँ मैं मसाजिंग चेयर पे बहुत ही अच्छा सा एक बॉडी मसाज। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग ना जो मेरे पुराना व्लॉग है उसके नीचे पूछते हैं कि आपकी मम्मा के पास जो चेयर है वो आपने कहाँ से ली, उसका जो स्टोर है वो बता दे, कितनी प्राइस में ली है और कौन से ब्रांड की है। तो मैं वैसे तो बता देती हूँ लेकिन अब मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो चेयर है ना ये ऑनलाइन ली है, अमेजोन से ली है। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और जिस ब्रांड की है तो वहाँ से पता चल जाएगा। और जो प्राइसेस होती है ना वो टाइम के साथ साथ वेरी करती रहती है, मतलब कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो अभी क्या करंट इसका जो रेट है वो क्या चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा। इस चेयर को लिए हुए मामा के पास हो गया है कोई 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसका लेदर बहुत अच्छा है, इसके जो प्रेशर पॉइंट्स है ना वो एग्जैक्ट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मैं इसको 10 में से कितना रेट करूँगी तो मैं इसको 9 रेट करूँगी। एक नंबर मैंने इसलिए काट लिया क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो काव्स होती है ना और जो शोल्डर है इस पे पॉइंट यानी कि जिसका प्रेशर है ना वो इतना अच्छा चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इसकी ना होता है ना वाइब्रेशन होती तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगना था। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम ना ऐसे थोड़ा सा ना नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओवरऑल ये चेयर बहुत 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 अच्छी है और इसका लेदर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ इतने 3 सालों में, अभी तक तो बिल्कुल ये न्यू लगती है। और यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ ना तो इसके बगैर तो मेरा दिन नहीं जाता। तो बस अब मैं ये मसाज लेती हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैंने इसको 0 ग्रेविटी पे कर लूँ ना फिर ये ऐसा होता है कि हमें नींद भी आती है ना तो थोड़ी देर मेरी आँख भी लग जाती है। चले जी, यहाँ पे मैंने अभी हिबा के हेयर स्टाइल बनाया है। हिबा कैसे लगा है? बहुत अच्छा। अच्छा पीछे यू वेलकम। ये देखें, ये मैंने ना इसकी फ्रेंच ब्रेड बनाई है और ऊपर पिन लगा दी है। अब आप लोग बताएंगे कैसा इसका ये हेयर स्टाइल लग रहा है। तो ये नानो ने बना के दिए हैं, मजेदार है। पापड़ पाकिस्तान में हम ऐसे खाते होते थे और ये भी पाकिस्तान के ही हैं। अभी आना सो रही है, वो भी उठेगी फिर उसको भी खिलाएंगे ठीक है ना। यहाँ पे आना सो के उठ के आ चुकी है और इब्राहिम के साथ लाडियां कर रही है, माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश सो के उठी है। जी इस टाइम हो गया शाम के कोई 5:10-15 हो गए, हवा हल्की की चल रही है लेकिन गर्मी है। हम लोग जा रहे हैं मामा के साथ थोड़ी देर के लिए ग्रोसरी करने के लिए। मामा गई थी कि मैंने जाना है, फिर क्या कहती मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा फिर मैंने क्या करना है घर पर रह के, फिर मैंने कहा कि हम सभी चलते हैं और बस फिर आप लोग भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। चलते हैं लेकिन हवा चल रही है इसे थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, वरना धूप है, धूप में गर्मी तो लगती ही है। चलें चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं मॉल और इस साइड पे है बॉस्कोस और इस साइड पे है एक और स्टोर है, इसका नाम है जेसी पेनी। लेकिन हम लोगों ने शायद मॉल के अंदर जाना है, अंदर चलते हैं। एना जो है वो इधर बच्चों के साथ और इधर है बुबकर। यहाँ पे ये देखें कैसे ये शूज़ की दुकान है, एक बनाया हुआ है और एक इस साइड पे बनाया हुआ है, ऐसा ही अट्रैक्शन। तो इधर है ये मामा लोगों की साइड का बॉस्कोस। तो आज हम इधर आए अभी थोड़ी देर के लिए, मामा कह रही थी ऐसे ना कुछ देखते हैं तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
अभी पीछे मामा और इकरा अब वो करना अपनी चीज़ें वगैरह देख रहे हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। ऐना जो है बिल्कुल ठीक है, बच्चे ऐना के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं और यहाँ पे ना अभी रश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम वीकडे में आए हैं। जब वीकेंड पे आते हैं तब रश ज़्यादा होता है। अभी हम सुकून से अपना फिर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम सिर्फ अकेले हैं इस स्टोर में। और काफ़ी अच्छे से इनकी ना ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी होती है, हर चीज़ बड़े अच्छे से सेटल तरीके से रखी होती है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्लियरेंस भी लगाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्टाइल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जैसे पाकिस्तानी स्टाइल होता है ना उस तरह का लग रहा है। थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और इस साइड पे भी ऐसे के लगे हुए हैं। कलर थोड़ा सा चेंज है लेकिन अंदर जो प्रिंट है एक जैसा ही है। मामा ने मुझे भेजा है कि जाओ इन दो शर्ट्स की ना प्राइस चेक करके लेके आओ। तो यहाँ पे ना ऐसे होता है कि इस प्राइस चेकर्स लगाए होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस चेक और हम चेक करेंगे यहाँ से। अब मैं प्राइस चेक करती हूँ। हमने बस ये जो QR कोड है इसके नीचे रखना है और इसकी मुझे पता चल रही है। मैं ना एक और ड्रेस की जो है प्राइस चेक करने लगी हूँ। ड्रेस है ये वाला और इसका यहाँ पे ये है, इसकी रियल प्राइस है 65 और इन्होंने 75% ऑफ पे लगाई हुई है। तो ये हमें मिल जाएगी 16.25 सेंट्स की, मतलब कि $16.25 की। तो मैं मम्मा को बता के आती हूँ। यहाँ से अबूबकर जो है वो अपने लिए कोई शर्ट्स वगैरह देख रहा है और मम्मा उसकी हेल्प कर रही है कि कौन सी अच्छी है। यही होता है लड़कों का ना कि मामा से पूछते हैं या अपनी बहनों से पूछते हैं कि कौन सी हम चीज़ लें। अभी अबूबकर जो है वो शर्ट्स वगैरह पहन के देख रहा है और यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर पहले एक दो लोग थे, उनको लगा एकदम से ना वो हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि क्या मैं और इकरा ट्विंस हैं, हालांकि इस दफ़ा हमने कपड़े भी अलग अलग पहने हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ट्विंस लग रहे हैं। फिर इकरा कहते कि नहीं मैं ना 3 साल बड़ी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी क्या एज है? कहती नहीं एज नहीं मैं बता सकती। कहते आप 16 की? फिर कहती हंसने लगी, मजाक कर रहे थे। अब आए यहाँ पे हम ग्रोसरी स्टोर और ये पंजाब का है। तो यहाँ से मामा लोगों ने लेना है आटा, तो इधर से लेंगे। अब अगर हंस रहा है कि उधर ना देसी लोग बैठे हुए थे, तो वो क्योंकि इनको हमारी जबान समझ आती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना अजीब लगता है व्लॉगिंग करते हुए। तो देखिए जाय नमाज पड़े हुए, वहाँ से अबूबकर आटा उठाने जा रहे हैं। एकदम से ना यहाँ की खुशबू भी जो है पूरी देसियों वाली आती है। यहाँ से अब हम नूडल्स खाने लगे हैं। ऐना चिकन हिबा ओ ऐना यार हिबा चिकन वाले भी उठाने हैं, हिबा ने स्पाइसी उठाए हैं। देसी स्टोर है इसलिए यहाँ पे हर चीज़ जो होती है ज़रूरत की मिल जाती है और जितनी जगह बड़ी होती है उस हिसाब से चीज़ें भी ना उसी हिसाब से रखी होती हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में और ज़्यादा वराइटीज़ में। सामान वगैरह लिया और बस फिर हम लोग सीधा घर आ गए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि रात का टाइम है और इकरा की मैं मेहंदी लगा रही हूँ। बिल्कुल रात हो चुकी हुई थी और जल्दी से मैंने इसके दोनों हाथों पे बहुत ही प्यारी एक जैसी मेहंदी लगाई। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, बस जो जो मेरे दिमाग में आता है डिज़ाइन या मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ उस हिसाब से फिर मैं लगा लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगती लेकिन हाँ इतनी लगती है कि अच्छी लगती है दूसरों को हाथ पर लगी हुई मेहंदी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ सुबह मज़ेदार सा नाश्ता, मामा ने बना के दिया है। और आपको पता है कि मैं चाय के अंदर ना ऐसे डिप करके खाती हूँ वरना मुझसे पराठा नहीं खाया जाता। तो जी अभी नाश्ता वगैरह कर लिया और दोपहर के हो गए हैं, कोई 12 बज चुके हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आज सुबह सुबह ही इकरा अबूबकर उसामा आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं। वो गए हैं मिशिगन, वहाँ पे मेरे कज़न है उनकी शादी है और हम यानी कि मैं बच्चे और मेरे माँ पापा नहीं गए। हर घर की अपनी कोई सिचुएशन होती है, कोई काम होता है, कोई नहीं जा सकते, तो इसलिए अबूबकर उसामा और इकरा ही गए हैं और इनका कुछ दिन का वहाँ पे स्टे है। तो कुछ चीज़ें आपको इकरा के व्लॉग्स में पता चल जाएंगी
कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज हुई है। उसके लिए आपको इकरा का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कुछ दिन आगे अभी मैंने ही बच्चों का ख्याल रखना है, तो इसलिए मुझे अपने आप को ज्यादा एक्टिव रखना है कि कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। तो बाकी मेरी मम्मा भी है, मेरे पापा भी हैं, और अभी मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बादल आए हुए हैं, तो मैं बाहर आई हूँ। अभी ऐना ना अंदर बैठी हुई है, ऐसे कोई कार्टून वगैरह देख रही है। मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी चीज दिखाती हूँ। मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ ना कि यहाँ पे जैसे घर की कोई चीज है तो अगर वो नहीं यूज हो रही तो लोग बाहर अपने यानी कि रख देते हैं, किसी ने लेना है तो ले ले। तो अभी मम्मा लोगों के बाहर यानी कि जो इस डंपस्टर वाली साइड है ना, वहाँ पे रिसाइक्लिंग के लिए जो एक बॉक्स रखा जाता है, आप लोगों को ना जल्दी से दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह रखे जाते हैं। अब ये किसी ने अपने घर के बाहर नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो ऐसे ना अच्छे से कोई जगह बॉक्स बना हुआ है तो इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। अब किसी को चाहिए होगा ना तो वो यहाँ से भाग के ले जाएंगे। तो चले आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये एक पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने अगर कोई चीज नहीं लेनी ना तो वो यहाँ पे रख के जा चुके हैं। ये देखें, किसी के घर का सोफा है, अब इसकी हालत थोड़ी सी ना खराब भी है। अब किसी को नहीं चाहिए होगा या किसी को चाहिए भी होगा तो वो लेके जा सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा उधर चलते हैं, तो देखें यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाया हुआ है और कुछ डंपस्टर के रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, किसी ने अपना कारपेट रखा हुआ है, किसी ने एक मैट्रेस रखा है, और अभी ये जो चीज है ना ये मेरे ख्याल से वॉशिंग मशीन है, और ये अभी हमारी आंखों के सामने ही कोई रख के गया, इसलिए मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह बहुत ज्यादा सामान ऐसे ही रख के बाहर चले जाते हैं। हम इधर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इब्राहिम बैठ के हमारा वेट कर रहा है। इब्राहिम अब बाहर क्यों बैठे हो, हमारा वेट कर रहे थे, उधर आ जाते हम तो ऐसे व्लॉग बना रहे थे। ऐना कहाँ है? आपको मैंने कहा था ऐना के पास रहना। नानो है, नानो है, नाश्ता कर लिया, चलो फिर चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डॉलर ट्री। डॉलर ट्री, तो माहम खाला बच्चों को लेके जा रही है डॉलर ट्री, जो बच्चों का भी फेवरेट है और माहम खाला का भी। ऐना जो है वो सो चुकी है, इसलिए फिर बच्चों ने कहा कि हमें डॉलर ट्री लेके जाए। देखें ये है मामा लोगों की साइड का डॉलर ट्री और बिल्कुल करीब है, इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए। मेरा भी फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है। ध्यान से इब्राहिम, ध्यान से, ध्यान से। यहाँ पे $1 के अलावा $3 का भी सामान है और $5 का भी सामान है जो कि उन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका है डॉलर ट्री प्लस। जिनकी शादी होने वाली है वो यहाँ से इस तरह ब्राइडल क्लिप्स और इस तरह की चीजें ब्राइड मेड्स के लिए लेके जा सकती हैं। तो दोनों वेलकम। तो दोनों जो है ना अपना अपना सामान लेके आ चुके हैं, इनका भी ना दिल नहीं भरता मेरी तरह जब ये भी डॉटरी आते हैं ना, ये भी कहते हैं हम इधर ही रह लें, है ना। तो चले ठीक है, अब मैं बच्चों को लेके घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, रेस्ट करूंगी और यहीं पे करूंगी मैं इस वाले ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है, जो कि पसंद आया होगा, तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल, बाय बाय।